वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूँ वशराज भाई, बड़े वैसे आपने स्टाइल में बोला क्या करें। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड और बहुत ही ज्यादा ऑसम किस्म की वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है DRDO टॉप 15 प्रोजेक्ट्स। तो मतलब आज हम देखेंगे DRDO की टॉप 15 प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, या तो मतलब आगे हिंदी में लिखा है आने वाले हैं, आ चुके हैं। ये अब पहले देखेंगे हम वीडियो, उसी के बाद सही से हमें पता लगेगा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले ही होंगे, जाहिर बात है। हाँ भाई, हाँ तो बेस्ट ऑफ मिक्स का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। देखते हैं भाई DRDO वैसे इंडिया की रीढ़ की हड्डी। सही बात है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अच्छा, वाओ। टाटा की ट्रक पे है ये। वाह, मतलब प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं जो अब तक के सबसे वो थे। एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार है ये। रेडार है ये, मतलब जो फौरन देख लेगा, करता है, डिटेक्ट कर लेगा। ये स्वदेशी हैं सारे गाइस, क्योंकि DRDO अपना देश की है। ये आकाश सत्य मिसाइल है यार। ये बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम इंडिया का। अब ये क्या है? अरुथरा MP रेडार, एक और रेडार हो रहा है। वाओ, ये रेडार बड़े काम के होते हैं भाई। कोई भी मतलब सीमा में आता है तो फौरन पता चल जाए। बिल्कुल। अब ये क्या है? व्हीकल माउंटेड हाई लेजर डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम है ये। तो भाई वो तो नहीं है वो लेजर, वो लेजर मतलब जो मारता है, मतलब छोटे ड्रोन हो या इस तरह के हो जिनको मारता है, खराब का। हाँ, ड्रोन वही है, वही है, वही है, बिल्कुल। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ कंट्रीज के पास है। ये देखा इस तरह, ये देखो भाई। हाँ, किस तरह जला के राख कर देता है, जहाज को भी मार देगा। टाटा ये मतलब वैप है। अच्छा, जिनके मुश्तरका है टाटा और DRDO दोनों के, है ना। टाटा काफी DRDO के साथ काम करता है ज्यादा। ये वेपन लोकेशन रडार है, स्वाति नाम है। वाओ, काफी सारे रडार इस किस्म के बनाए हुए हैं इंडिया ने, है ना भाई। वो तो इम्पोर्टेंट चीज है रडार ना। रुस्तम 2, हाँ ये इंडिया का अपना ड्रोन है, रुस्तम 2, और बहुत पावरफुल ड्रोन है। 24 घंटे कर सकता है ये। कहते हैं इंडिया की जो प्रेडेटर है ना उसको टक्कर देता है। सॉरी, अमेरिका के। ये अर्जुन MK1 फुल्ली स्वदेशी है ये। फुल्ली 1-2 hours। और इंडिया का मेन बैटल टैंक भी। हाँ, मेन बैटल टैंक वरुणास्त्र। हाँ, ये सबमरीन में जाता है, टॉर्पेडो है जो है ना, वॉरशिप से लॉन्च किया जाता है सबमरीन को उड़ाने के लिए या किसी और शिप को। ये हमने देखा था एक बार जब लॉन्च हुआ था, देखा सबमरीन गई कर देता है, ढूंढ के खुद करता है ये भाई, इसकी खासियत है। किसी पीछे ये नहीं भागता है। ब्रह्मोस, ये कैसे, कौन नहीं जानता यार ब्रह्मोस। तो मैं कहता हूँ इंडियन जो एक पावर रखता है, बिल्कुल भाई। सरफेस ही रेंज 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, top 3 इन द वर्ल्ड। वाओ, 8000 स्पीड, अपग्रेड टू 12000 स्पीड है। अग्नि 6 भी है, अग्नि 5 तो है ही है। 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। एडवांस, अच्छा ये आर्टिलरी है। ये गन है ना, कोई नई अपनी मेहनत, मेरे ख्याल से खुद इसका मैंने पिछले दिनों सुना था, इंडिया ने एक निकाली है। अच्छा, बहुत तेज़ है, तो बड़ी खतरनाक है। 2 किलोमीटर रेंज वाह यार, बहुत रेंज है भाई। ये अवैक्स है मेरे ख्याल में, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग।
I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finding loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost. Tejas. Yes, Tejas. Number one. Both powerful. Don't you rest in peace. Now you're dead to me, so peace. Now remember you're discreet. Now keep ready for defeat. Now I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat. Now and weed out all the weak. आपके बीच में शो तो किए नहीं है इंडिया ने, मतलब ये जो बताए गए हैं जो डीआरडीओ ने खुद मतलब बनाए हैं जो इंडिया के लिए और बहुत कमाल की चीजें, क्योंकि देखो अग्नि 5 बताया है जिस तरह पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, उसके बाद इन्होंने आकाश डिफेंस सिस्टम जो बताया सिस्टम वो भी कमाल का था, और इसमें रडार तीन किस्म के, तो रडार्स थे तीन किस्म के रडार्स थे, अर्जुन टैंक और फिर अवैक्स थे, मतलब वो जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जो देते थे। अच्छा उसके बाद तेजस भाई उसको तो छोड़ दो, अभी MK1 बना हुआ है, MK2 वर्जन पे काम चल रहा है जो कि अभी बहुत जल्द बन जाएगा। फिर ब्रह्मोस को देख लो, ब्रह्मोस 1 बना हुआ है, 2 हाइपरसोनिक, मतलब ऐसे बनाए हुए ना कि अभी ब्रह्मोस भी एक ऐसा जिसका अभी तक तोड़ नहीं है, तो अब जब हाइपरसोनिक जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और वो लेजर वाला जो सिस्टम बताया था वो उन्होंने वो बताया भी है, जिस तरह ड्रोन देखो किस तरह जला के फेंक दिया। और असल में इंडिया ने अभी और सारे डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जिसका मतलब लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। जब वो दुनिया के सामने आएंगे तब लोगों को पता चलेगा यार क्या चीज बनी हुई है भाई। मतलब मोस्टली चीज सीक्रेट्स होती है, मतलब काली हो गया, ये तो छोटा सा मतलब था लेजर। हाँ। काली इंडिया के पास है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक में सिर्फ अमेरिका के पास है ना, और बस इंडिया के पास है काली 5 ना, काली 5000 और 10000 भी है, 10000। और दूसरी बात भाई इसमें फिर अर्जुन आया 1-2 जो कि इंडिया का मैन बैटल टैंक है, फिर आकाश आया, फिर वो टॉरपेडो जो मतलब सबमरीन को उड़ाने के लिए स्पेशल है, और वो कहते हैं ना वो पीछे लगा रहता है सबमरीन का जब तक टारगेट को, मतलब आगे भागती जाएगी। हाँ। ये भी पीछे भी जाता जाएगा, जिधर मुड़ेगा वो भी जाएगी, मतलब वो इतना तेज तो भाग नहीं सकती, नहीं वो इतना कहाँ जाते, मतलब उसी वक्त तबाह कर देगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, मतलब इस किस्म के हथियार तैयार। और यार बाकी यार डीआरडीओ जो है ना इंडिया की रीढ़ की हड्डी है किस्म की बोल लो यार, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितना हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट है डीआरडीओ, जितना डीआरडीओ ने मतलब इंडिया के लिए इस किस्म के हथियार बनाए हैं कि यार वाकई दुनिया हैरान रह जाती है कि यार इतने कम समय में इतने कमाल के मतलब और कम बजट में इस तरह के वेपन्स किस तरह बन सकते हैं। मतलब सो गाइस आप बताएं आपको मतलब किस किस को डीआरडीओ पे गर्व है, सबको होगा, बिल्कुल सबको होगा, कमेंट सेक्शन में लाइक लाजमी करना। तो इतनी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।